हेलो एवरीवन, वेलकम टू वन स्टॉप स्टडी यूनिक वे ऑफ लर्निंग। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे योजना, जिसकी हम यहाँ पे आज क्लास वन देखेंगे। इसके पहले भी हमने कई योजनाएं डिस्कस की हैं, लेकिन हम यहाँ से योजना क्लास वन आज डिस्कस कर रहे हैं। वन नेशन वन राशन कार्ड, इस योजना को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जिसको कि राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी योजना के नाम से भी जाना जाता है। रिसेंटली अभी न्यूज में है, इसलिए हम इसको यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना, जिसको जिसको कि ONORC के नाम से भी जानता है जाना जाता है, या फिर राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी के नाम से भी जाना जाता है। इस योजना को हम हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में डिस्कस करेंगे। साथ में वीडियो के अंत में जो भी आपके इस योजना से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं, वो हम वीडियो के अंत में डिस्कस करेंगे। तो यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल वन स्टॉप स्टडी पर नए व्यूअर्स हैं, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल वन स्टॉप स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि जब भी नया वीडियो डलेगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। हम स्टार्ट करते हैं हमारी योजना को और चलते हैं पहली स्लाइड पे। देखिए, वन 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 नेशन वन राशन कार्ड योजना, या फिर राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी योजना की बात की जाए, तो इसको जो स्टार्ट या लॉन्च किया गया था, वो आपका अगस्त 2019 में इसको लॉन्च किया गया था। ONORC इंश्योर पोर्टेबिलिटी ऑफ अराउंड 250 मिलियन राशन कार्ड अंडर द स्कीम। बेनिफिशरी कैन गेट एक्सेस टू हाईली सब्सिडाइज फूड ग्रेन अंडर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एनी वेयर इन द कंट्री। तो सरकार ने वन नेशन वन राशन कार्ड योजना देश के सभी नागरिकों के लिए किसी भी राज्य की सरकारी राशन दुकान से राशन उपलब्ध कराने के लिए अगस्त 2019 में शुरू की थी। तो इस योजना के अंतर्गत क्या है कि यदि आप राशन कार्ड होल्डर हैं और आपको राशन मिलता है किसी भी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से, तो इस योजना के आने के बाद आप देश में कहीं भी हों, आप वहाँ से इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। कहीं से भी आप अपना सब्सिडाइज फूड ग्रेन, जो भी आपका राशन राशन है, वो आपको कहीं भी मिल सकता है इस योजना के आने के बाद। पहले से बात की जाए तो इसको 2019 में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया था। इससे पहले की बात की जाए तो पहले राशन कार्ड में क्या नियम था, पहले राशन कार्ड में ये नियम था कि जिस जगह से आपका जिस जिले की राशन दुकान से, इससे पहले राशन कार्ड के मामले में ये नियम था कि व्यक्ति का राशन कार्ड जिस जिले का बना है उसी जिले की राशन दुकान से उसे राशन मिल सकता था। उस राशन कार्ड से किसी अन्य जिले में या फिर अन्य यूनियन टेरिटरी में या फिर अन्य स्टेट में राशन नहीं लिया जा सकता था। लेकिन एक राशन कार्ड लागू होने के बाद एक ही राशन कार्ड से देश के किसी भी कोने में सस्ता राशन, जो कि सब्सिडाइज फूड ग्रेन आपको मिलता है, वो आप यहाँ पे इसका फैसिलिटी उठा सकते हैं। आप कहीं भी किसी भी यूनियन टेरिटरी, किसी भी स्टेट में और किसी भी जिले में, कहीं भी आप भले आप कहीं के भी रहने वाले हों, इंडिया के किसी भी जिले के या किसी भी जगह के या किसी भी स्टेट के, तो आप कहीं भी इस योजना के आने के बाद जो है अपना सब्सिडाइज फूड ग्रेन जो आपको मिलता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंतर्गत, उचित मूल्य, सरकारी उचित मूल्य दुकान के अंतर्गत, वो आप ले सकते हैं। इस योजना का ये फायदा है। इस योजना को और अधिकतम लाभ पहुंचाने के लिए, उठाने के लिए गवर्नमेंट ने एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया था, मेरा राशन मोबाइल एप्लीकेशन स्टार्ट किया था, जो कि इस समय 13 भाषाओं में उपलब्ध है। और इसकी पॉपुलैरिटी इसी से देखी जा सकती है कि अब तक इस ऐप को प्ले स्टोर से 20 लाख से अधिक बार डाउनलोड किया जा सकता है। तो ये वन नेशन वन राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी योजना जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लाई गई थी, वो आपके सब्सिडाइज फूड ग्रेन अंडर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को के लिए लाई गई, जिससे कि आप कहीं भी कंट्री में आप राशन उपलब्ध, राशन का आप जो फूड ग्रेन जो आपको मिलता है उसको आप ले सकते हैं कहीं भी इंडिया में। वहीं बात की जाए ONORC की बात की जाए तो इट इनेब्स माइग्रेंट राशन कार्ड होल्डर, जो भी आपके माइग्रेंट, जो भी एक जगह से दूसरी जगह जाने वाले राशन कार्ड होल्डर्स होते हैं, तो उनके लिए काफ़ी फायदेमंद स्कीम है, जिससे कि वे अपने उठा सकते हैं टू लिफ्ट दियर कोटा ऑफ ग्रेन इंटाइटलमेंट फ्रॉम एनी फेयर प्राइस शॉप। तो जो भी आपकी प्राइस शॉप से उनको जो भी फूड ग्रेन मिलना है उसका लाभ उठा सकते हैं, जो भी आपके माइग्रेंट एक जगह से दूसरी जगह जाने वाले राशन कार्ड होल्डर हैं। बाय यूजिंग राशन कार्ड इशू इन दियर होम स्टेट और यूनियन टेरिटरी आफ्टर बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन ऑन इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल। तो किसी भी आपकी उचित पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पर जाकर आप वहाँ उपलब्ध बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन करके एंड इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल्स पे डिवाइस जो इंस्टॉल्ड होती है वहाँ पे बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के द्वारा आप यहाँ पे अपना फूड ग्रेन प्राप्त कर सकते हैं। ONORC में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत कवर किए गए लाभार्थी अपनी पसंद के किसी भी इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल राशन की दुकानों से सब्सिडी वाले खाद्यान्न का अपना कोटा प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के साथ अपने मौजूद राशन कार्ड का उपयोग करना होगा। तो ये यहाँ पे इस तरह आप यहाँ पे फूड ग्रेन यहाँ पे उपलब्ध कर सकते हैं वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के अंतर्गत।
या फिर राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी योजना के अंतर्गत। जब से इस योजना को लॉन्च किया गया है, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना, अगस्त 2019 में इसको लॉन्च किया गया था, तब से अभी तक 710 मिलियन पोर्टेबल ट्रांजेक्शन इसके द्वारा किए गए। मतलब पोर्टेबल ट्रांजेक्शन का मतलब है कि आप रहने वाले कहीं और के हैं, लेकिन आपने अपने जो आपका जो सब्सिडाइज फूड ग्रेन है वो आपने कहीं और से लिया है। तो अभी तक टोटल पोर्टेबल ट्रांजेक्शन किए गए वो 710 पोर्टेबल ट्रांजेक्शन अभी तक इस योजना के अंतर्गत किए गए हैं, जिसमें कि 436 मिलियन फोर से 710 मिलियन पोर्टेबल ट्रांजेक्शन यहाँ पे किए गए हैं, जिसमें कि 436 मिलियन पोर्टेबल ट्रांजेक्शन जो हुए हैं वो आपके नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट NFSA के द्वारा, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत हुए हैं। वहीं 278 मिलियन जो आपके ट्रांजेक्शन हुए हैं, पोर्टेबल ट्रांजेक्शन, वो हुए हैं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। इस योजना को भी हम आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे आगे वाली क्लास में। तो 278 जो हुए हैं वो आपके अंडर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत इसमें पोर्टेबल ट्रांजेक्शन हुए हैं। अकॉर्डिंग टू द फूड मिनिस्ट्री, सब्सिडाइज फूड ग्रेन बहुत ₹40,000 करोड़ अभी तक जो है फूड मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग आ रहा, अभी तक जो है 40,000 करोड़ का जो है यहाँ पे इस योजना के अंतर्गत फूड ग्रेन डिलीवर्ड हो सकता है बेनिफिशियरी थ्रू पोर्टेबिलिटी। पोर्टेबिलिटी के अंतर्गत इस योजना के अंतर्गत जो है वो आपका फूड ग्रेन यहाँ पे डेवलप डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, अभी तक 40,000 करोड़ का डिलीवर्ड किया गया है। तो आगे और कुछ पॉइंट देख लेते हैं इस योजना के बारे में। इस योजना के आने से क्या बेनिफिट है देख ले, अराउंड बात की जाए, अब मंथली एवरेज इस योजना के अंतर्गत यदि बात करें हम वन नेशन वन राशन कार्ड या राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी योजना की बात करें, तो अराउंड एक महीने में 30 मिलियन यहाँ पे पोर्टेबल ट्रांजेक्शन जो है यहाँ पे किए जाते हैं, 30 मिलियन पोर्टेबल ट्रांजेक्शन यहाँ पे किए जा रहे हैं, 30 मिलियन पोर्टेबल ट्रांजेक्शन इसके अंतर्गत किए जाते हैं, जो कि आपके NFSA नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत किए गए हैं। खाद्य मंत्रालय ने यहाँ बताया कि लाभार्थियों की सुविधा के अनुसार सब्सिडाइज NFSA और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत हर महीने 3 करोड़ पोर्टेबल ट्रांजेक्शन जो है यहाँ पे दर्ज किए जा रहे हैं। तो एज पर एस्टिमेटेड 60 मिलियन पीपल्स माइग्रेट सीजनली टू वेरियस स्टेट इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड, बिसाइड्स अराउंड 80 मिलियन पीपल एट आर इंट्रा स्टेट माइग्रेंट मूविंग फ्रॉम वन डिस्ट्रिक्ट टू अनदर इन देयर होम स्टेट। देखिए यदि बात करें हम एज पर द एस्टिमेट अराउंड 60 मिलियन पीपल्स जो होते हैं, 60 मिलियन पीपल जो होते हैं माइग्रेट होते हैं सीजनली टू वेरियस स्टेट, एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक माइग्रेट होते हैं अपने जीवन यापन के लिए। वहीं बात की जाए अराउंड 80 मिलियन पीपल्स जो होते हैं वो इंट्रा स्टेट स्टेट के अंदर ही एक जिले से दूसरे जिले तक माइग्रेट होते हैं लाइवहुड के लिए, जीवन यापन करने के लिए, मूव फ्रॉम वन डिस्ट्रिक्ट टू अनदर इन दियर होम स्टेट। तो इस कंडीशन में जो राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी योजना है वो काफ़ी बेनिफिशियरी होती है इन लोगों के लिए, क्योंकि इन लोग जब ये लोग एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं तो इनको एक स्टेट में तो यहाँ पे सब्सिडाइज फूड ग्रेन मिलता है, लेकिन इस योजना के पहले जो है अगर यदि अदर स्टेट में जाते हैं तो इनको यहाँ पे खरीदना पड़ता था राशन कार्ड, और यहाँ पे इनको जो है वो सब्सिडाइज फूड ग्रेन नहीं मिलता था। लेकिन वन नेशन वन राशन कार्ड पोर्टी या राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी योजना आने के बाद जो है यहाँ पे किसी भी स्टेट के हों आप, कहीं भी किसी भी स्टेट में आप, बस आपको बस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पर जाना है और वहाँ पे जाके बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन और राशन कार्ड के थ्रू आप सब्सिडाइज फूड ग्रेन यहाँ पे उपलब्ध कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए जो कि माइग्रेट होते हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट या फिर अपने ही स्टेट में एक जिले से दूसरे जिले में, उनके लिए ये योजना काफ़ी बेनिफिट है, जिसको कि गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो इन लोगों के लिए काफ़ी फायदेमंद हो रही है। वहीं हम बात करें कोविड पेंडेमिक के कारण जब आए थे कोरोना महामारी के दौरान, अप्रैल 2020 की बात हम करें तो इस योजना के आने से अप्रैल 2020 से अभी तक 64 करोड़ पोर्टेबल ट्रांजेक्शन जो है यहाँ पे अप्रैल में किए गए थे, दर्ज किए गए थे, जिसमें पोर्टेबिलिटी के माध्यम से अराउंड 36,000 करोड़ सब्सिडाइज खाद्य सामग्री वितरित की गई थी। वहीं 64 करोड़ में से 27.8 करोड़ मार्च 2020 में शुरू की गई
गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत दर्ज किए गए थे। तो ये सारे पॉइंट्स हमको याद रखने हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को हम आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये ऑल अबाउट था आपका वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के बारे में, या फिर राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी योजना के बारे में, जिसको कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया। इससे रिलेटेड हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करें तो इससे रिलेटेड क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है? तो इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि वन नेशन वन राशन कार्ड योजना कब लागू की गई थी। तो वन नेशन वन राशन कार्ड योजना जो आपकी लॉन्च की गई थी वो अगस्त 2019 में इसको लॉन्च किया गया था। वन नेशन ये सेकंड क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, इसको किस अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसको राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी योजना के नाम से भी इसको जाना जाता है। थर्ड क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि जो वन नेशन वन राशन कार्ड योजना है वो किस से रिलेटेड है? तो ये आपकी सब्सिडाइज फूड ग्रेन से रिलेटेड है, जिसको कि हमने डिस्कस किया था। इस योजना के अंतर्गत क्या है कि आपको यदि सब्सिडाइज फूड ग्रेन यदि आपको उपलब्ध होता है तो आप कहीं भी किसी भी यदि आप दूसरे स्टेट के रहने वाले हैं, दूसरे जिले के रहने वाले हैं, तो किसी भी स्टेट में किसी भी जिले में आप अपना सब्सिडाइज फूड ग्रेन यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं, जो आपके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से अपने बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन और राशन कार्ड के थ्रू। तो इस योजना को जो लॉन्च किया गया है वो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अगस्त 2019 में लॉन्च किया गया था, जिसको कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे यूट्यूब चैनल वन स्टॉप स्टेट सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि जब भी नया वीडियो डलेगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।